12 घंटे के सफर के बाद ऑलमोस्ट मेरा चेहरा पूरी तरह से डल हो चुका है। 12 घंटे लग गए मुझे आनंद से सोमनाथ पहुंचने में। एक्चुअली लग्जरी बस कोई नहीं थी, स्लीपर बस कोई नहीं थी, क्योंकि वो रात को ट्रैवल करती हैं, और अगर आपको मॉर्निंग में आना है तो या तो आपको गुजरात की जो बसें होती हैं और गवर्नमेंट की उनसे आना पड़ेगा, तो ट्रेन से आना पड़ेगा। और ट्रेन का ऐसा था कि ट्रेन कुछ रेलवे का काम चल रहा है यहाँ पे, इससे ट्रेन भी बंद हो रखी थी, तो मैं उसी से जो रोडवेज है गुजरात की उसी से आया हूँ। और बहुत एग्जॉस्टेड था, लेकिन यहाँ मंदिर आके मैंने यहाँ पे पहले सोचा कि मंदिर से पहले मैं बीच पे हुआ हूँ। ये पीछे जो आप देख रहे हैं बीच है यहाँ का, लेकिन अगर आपने मुंबई का बीच देख रखा है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बाहर से कहीं जा रहे हैं तो हाँ आपके लिए हो सकता है बीच देखने लायक। अभी तो शायद हाई टाइड है इसलिए पुलिस वाले अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो अभी इसके बाद मैं मंदिर जाऊँगा। मंदिर अंदर तो नहीं, लाइक बैग वगैरह ले जा नहीं सकते, बाहर सबमिट कराना पड़ेगा सारा। और शाम हो गई है, मेरा प्लान है कि यहाँ से जल्दी से फ्री हो जाऊँ, देन मैं रात को ही आज द्वारका निकल जाऊँ, ताकि मैं एक दिन में ये भी कवर कर लूँ और अगले दिन में द्वारका कवर करके देन मैं मुंबई निकल जाऊँ वापस। और अभी मैं जा रहा हूँ सोमनाथ मंदिर की तरफ। मंदिर शायद इस तरफ कहीं पीछे है, तो मिलते हैं उसके बाद मंदिर के। ये मूर्ति है हमीर जी गोयल की, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। ये आप इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और अंदर एक शो होता है मंदिर के अंदर, लाइट शो, उसके अंदर आपको सारी हिस्ट्री बताई जाएगी इनके बारे में। ये बाहर के कुछ मंदिर, उनका प्यारा सा नज़ारा, और इस तरफ से आप बीच की तरफ एंट्री करते हैं। 5 रुपये की एंट्री टिकट है, आप बाहर से टिकट लेंगे, यहाँ से आप अंदर जाएंगे, और ये है बीच का नज़ारा। सोमनाथ मंदिर के अंदर जो लाइट शो होता है उसकी 30 रुपये टिकट रखी हुई है, और उसके अंदर आपको पूरा सोमनाथ का इतिहास, अपना कैसे सोमनाथ तोड़ा गया था, कब से बना है, कैसे बना है, सब वो बताया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाएगा, कहाँ कहाँ क्या है। ये बीच पे आपको दिखाई देंगे हनुमान जी की मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति है, और अभी शाम का नज़ारा हो रखा है, समंदर का पानी शायद यहाँ के लिए करीब होगा लोगों के लिए, इसलिए बीच पे जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पुलिस वाले भी तैनात हैं, और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या रास्ता है। जैसे ये सामने बोर्ड है, श्री राम मंदिर इस तरफ, त्रिवेणी संगम, श्री कृष्ण गोकुल धाम, और ये एग्ज़िट। लड़ाई में 9वें दिन के अंत तक हमीर जी के साथ केवल कुछ योद्धा जीवित रह गए थे, जफर खान की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए। 10वें दिन सुबह जब सूरज निकला तो किले के द्वार खुल गए, और हमीर जी और उनके साथी योद्धाओं के दुश्मन पर प्रहार किया योद्धाओं पे। शाम होते होते हमीर जी दुश्मन को गांव की तलहटी से खदेड़ने में सफल हो गए थे। उस दिन के लिए लड़ाई समाप्त हो गई थी। हमीर जी ने लौटकर देखा कि उनके साथियों के हाथ पैर कट गए हैं, और अगले दिन युद्ध के दौरान हमीर जी ने भी शरीर अपना त्याग दिया, वीर गति को प्राप्त हो गए। यहाँ पे आप अपने फ़ोन या ज़रूरी सामान जो भी है जमा कर सकते हैं, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाते हैं तो आपका ध्यान फ़ोटोज़ खींचने में ही रह जाता है, आप मंदिर का जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वो फील नहीं कर पाते। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जिसे पहले मून के गॉड थे उन्होंने बनाया था, फिर रावण ने बनाया, फिर कृष्ण भगवान ने बनाया, ऐसे बनता चला रहा है, और बहुत एनर्जी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैं करीब 15 मिनट अंदर जाके रोता रहा, मुझे नहीं पता क्यों रो रहा था, लेकिन इतनी एनर्जी फील हो रही थी, ऐसे लग रहा था मैं अपने किसी ईस्ट के सामने खड़ा हूँ, भगवान के सामने खड़ा हूँ, और वो मेरे समक्ष खड़े हैं, शिवलिंग को देख के फील हो रहा था। आपको ज़रूर यहाँ जाना चाहिए, जो इस ज्योतिर्लिंग में शक्ति थी, मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी दोबारा यहाँ जाना चाहूँगा। यहाँ बाहर जो जगह पे आप फ़ोन जमा करा सकते हैं ये फ्री में होता है, लेकिन मैं कहूँगा इसके बजाय आप बाजू में जाएं, वहाँ सिर्फ 10 रुपये लेते हैं 1 घंटे का, आप वहाँ जल्दी अपने चीज़ें डिपॉजिट करा सकते हैं, और सेफ भी पूरी रहती हैं। ये बाहर कुछ मार्केट है, अगर आपको कुछ पसंद आए मार्केट से तो आप ज़रूर खरीदिए। शंख ये यहाँ के समंदर से ही नियर बाय निकलते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिए, खरीदिए चीज़ें, और ज़रूर आइए यहाँ पे, और मैं आपको मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। टाइम लिमिट की वजह से मैं आज ही रात को निकल रहा हूँ द्वारका के लिए। द्वारका यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है सोमनाथ से, वहाँ पे द्वारकाधीश द्वारका धाम है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।